अब 25th क्वेश्चन देख लो, उसमें क्या बोला गया हमें, हमें दिया हुआ है कि अपने पास कोई मॉलिक्यूल्स हैं जिसकी स्पीड 200 है 27 डिग्री सेल्सियस पे, और कुछ प्रेशर भी दिया हुआ है। अगर हम स्पीड की आरएमएस स्पीड की बात करते हैं तो अपने पास क्या होता है √3 RT/m, तो अपने पास यहाँ पे प्रेशर नहीं है, तो यहाँ पे जितना मर्जी प्रेशर हो वी डू नॉट हैव टू कंसीडर। तो इसको ध्यान से समझो, तो जो वी आर एम एस होगा सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगा √T पे। तो अपने पास V1/V2 किसके इक्वल हो जाएगा, √T1 और T2 के इक्वल हो जाएगा। तो फर्स्ट वाली वेलोसिटी कितनी है 200, सेकंड वाली फाइंड करनी है, फर्स्ट वाला टेम्परेचर कितना है 27, बट 27 को अगर 273 से ऐड करते हैं तो वी विल गेट 300 केल्विन। यहाँ पे ध्यान में रखो कि टेम्परेचर को हमने केल्विन में ही लगाना है, बिकॉज ये अपना SI यूनिट हो गया। और दूसरा वाला टेम्परेचर कितना है, दैट इज 127 डिग्री सेल्सियस, तो अगर इसको 273 से ऐड करूंगा तो आई विल गेट 400 केल्विन। तो आंसर में क्या होगा, आंसर में अपने पास ये चीज बनेगी, V2 की वैल्यू कितनी बनेगी, √4 कितना आएगा 2 × 200/√3। तो चेक कर लो कौन सा ऑप्शन बन जाता है, सेकंड ऑप्शन। चलो अभी ये 25th क्वेश्चन हो गया जिसमें से हमने सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्मूले को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अभी सिमिलरली अगर हम चेक करेंगे 26th क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखो क्या होता है कि जिस मोमेंट पे अपने पास मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस रेजिस्टेंस डिस्टेंस होता है, वहां पे क्या होता है, अगर ये सॉलिड बॉडी है तो अपने पास स्टार्टिंग में ऐसे चलेगा फिर ऐसे चलेगा, और यहाँ पे क्या होगा, जो बी होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, बी इज प्रोपोर्शनल टू 1/a। तो ध्यान से देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्स्ट वाले पोर्शन में ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो फर्स्ट B1 में क्या होगा, दिस इज इक्वल टू a/2, क्योंकि उसने बोला कि फर्स्ट वाला रेडियल डिस्टेंस कितना है a/2। एंड सिमिलरली b2 किसके प्रोपोर्शनल होगा, दैट विल बी इक्वल टू 2a, तो वो कैसे होगा 1/2a के प्रोपोर्शन होगा। अगर इसको मैं ध्यान से देखता हूँ तो यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे पूरी की पूरी टर्म कितनी बन रही है 1/2, एंड यहाँ पे कितनी टर्म बन रही है सिमिलरली 1/2, और b1 b2 की रेशियो कितनी होगी, तो अगर मैं यहाँ से कैंसिल करता हूँ तो b1 b2 की रेशियो अपने पास होगी 1/1, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 1 आंसर हो जाएगा। तो इस स्टेप को समझो ध्यान से, चाहे अपने पास मैग्नेटिक फील्ड है चाहे अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर अपने पास सॉलिड बॉडी की बात कर रहे हैं तो यहाँ जब तक उसका सरफेस नहीं आएगी उस मोमेंट तक दैट विल गो इन टू अ स्ट्रेट लाइन एंड देन इट विल बेंड लाइक अ दिस ग्राफ विच इज कॉल्ड हाइपरबोला। चलो अभी ये 26 क्वेश्चन तो हो गया है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, एक बार आप उसकी स्टेटमेंट रीड कर लो नेक्स्ट क्वेश्चन की 27, देन आई विल डिस्कस विद इट। जो 27th क्वेश्चन है वो अपना एक प्योर थ्रेटिकल क्वेश्चन है, और थ्रेटिकल क्वेश्चन जो है उसको एक बार स्टेटमेंट चेक कर लो, उसने बोला हुआ है कि जो अपने पास r वेक्टर दैट इज पोजीशन वेक्टर, उसकी वैल्यू कितनी है कॉस और साइन में है, तो उसने बोला है कौन सी स्टेटमेंट हुआ। अब इसको ध्यान से समझो कि अपने पास r की जो वैल्यू दी हुई है दैट इज कॉस ओमेगा टी एंड एक्स कैप प्लस साइन ओमेगा टी एंड वाई कैप। तो इस पॉइंट को समझो, अगर मैं यहाँ से वेलोसिटी निकालूंगा बट आई हैव टू डू इट डायरेक्ट, कॉस का डेरिवेटिव कितना आएगा दैट इज इक्वल टू माइनस साइन ओमेगा। अगर मैं इसको सिर्फ और सिर्फ इसका कॉस का साइन देखूं, ओमेगा को निगलेक्ट कर सकता हूं तो भी अपना आंसर सही आ जाएगा, कैसे, बिकॉज उसने पूछा जो है साइन का डेरिवेटिव कितना आएगा कॉस ओमेगा, तो साथ में इसके साथ होगा ओमेगा बाई क्या, तो अपने पास वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी हो जाएगी 90 डिग्री विद द आर, तो वेलोसिटी क्या होगी आर के परपेंडिकुलर होगी। सिमिलरली अगर मैं एक्सेलरेशन देखता हूँ तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को इसका डेरिवेटिव अगेन करना पड़ेगा। तो आपको याद रखना है कि अगर यहाँ में देखता हूँ तो साइन का डेरिवेटिव क्या होगा कॉस ओमेगा टी विद एक्स कैप इन टू ओमेगा स्क्वायर, बट यहाँ पे अगर आप ओमेगा स्क्वायर नहीं भी लिखते कोई मैटर नहीं करता, बिकॉज हमने सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन देनी है। कॉस का कितना बनेगा साइन ओमेगा टी इन टू ओमेगा स्क्वायर बाई कैप। तो ध्यान से देखो, जो ए वाला वेक्टर है वो अपने आर के एंटी पैरेलल है, बिकॉज जो ए वाले में टर्म में सारी नेगेटिव है, बी ए आर वाले में सारे पॉजिटिव है, तो ऑप्शन में क्या आएगा कि जो वेलोसिटी है वो आर के परपेंडिकुलर है एंड जो अपने पास एक्सेलरेशन है वो आर के एंटी पैरेलल है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो चेक करो एंटी पैरेलल का मतलब क्या बनेगा, दैट विल बी टुवर्ड्स द ओरिजिन, तो अपने पास क्या बनेगा कि वेलोसिटी जो है परपेंडिकुलर आर के एंड एक्सेलरेशन क्या बनेगी टुवर्ड्स द ओरिजिन, बिकॉज जो आर है वो अवे फ्रॉम द ओरिजिन है, तो अपने पास क्या बनेगा जो एक्सेलरेशन है दैट इज टुवर्ड्स द ओरिजिन। चलो अभी 28th क्वेश्चन देखते हैं, उसने बोला है कि एक वर्टिकल लूप है, क्वेश्चन को ध्यान से समझो कि अपने पास एक वर्टिकल लूप है
उसमें मिनिमम वेलोसिटी बॉडी की कितनी दे सो दैट बॉडी जो है इस एक वर्टिकल लूप वाले को कंप्लीट कर सके. तो याद रखो इस बात को कि अगर इसका जस्ट कंप्लीट करना है तो अपने पास वेलोसिटी टॉप पे कितनी होगी, दैट इज इक्वल टू अंडर जी आर, और बॉटम पे कितनी चाहिए, दैट इज इक्वल टू अंडर फाइव जी आर. तो अपने पास अगर वेलोसिटी अंडर फाइव जी आर देंगे तो जाके ये लूप को कंप्लीट करेगा. एंड यही वाली वेलोसिटी हमें बॉटम से देनी पड़ेगी, बिकॉज अगर हम बीच में कोई भी वेलोसिटी देते हैं तो बॉटम से बॉडी विल नॉट बी एबल टू रीच द टॉप. एंड ये क्या करेगा, ये वहीं से ही बेंड होके नीचे गिर जाएगा. तो अपने पास थ्रेटिकल आंसर क्या बनेगा, दैट इज इक्वल टू अंडर फाइव जी आर. तो इस पॉइंट को आपको सिर्फ और सिर्फ याद रखना पड़ेगा वर्टिकल सर्कल वाले टॉपिक से ही वाला क्वेश्चन है. चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं. 29th क्वेश्चन देखो इसमें क्या बोला है, एक मेटेलिक सर्फेस है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला क्वेश्चन है कि अगर उस पर हम लैम्डा वेवलेंथ वाली लाइट फॉल करवाते हैं तो अपने पास क्या होएगा, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होएगा दैट विच बी इक्वल टू वी. एंड अगर अपने पास वेवलेंथ 2 लैम्डा होगी तो अपने पास स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होएगा, वी बाई 4. तो अपने पास इक्वेशन क्या बनेगी, इंसिडेंट एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस कैनेटिक एनर्जी. तो इंसिडेंट एनर्जी क्या होगी, दैट विल बी इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा विच इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस ई वी, जो ये वाली टर्म दी हुई है. सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगी, एच सी बाई 2 लैम्डा इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस ई वी बाई 4. अगर हम इस दो इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो अपने पास जो वर्क फंक्शन है उसकी कितनी वैल्यू आएगी, दैट विल बी इक्वल टू समथिंग लाइक एच सी बाई 3 लैम्डा. एंड अगर वर्क फंक्शन की हम वैल्यू पुट करेंगे एच सी बाई लैम्डा नॉट इज इक्वल टू एच सी बाई 3 लैम्डा, और अगर इसको चेक करूंगा तो मेरे पास लैम्डा नॉट की वैल्यू आएगी 3 लैम्डा. अगर आपको यहाँ पे कंफ्यूजन है कि इन दोनों इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना है तो हम क्या कर सकते हैं, हमने ev को कैंसिल करना है, तो क्या करेंगे हम इस टर्म को 4 से अपनी तरफ से मल्टीप्लाई करेंगे. अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट ध्यान से देखो 2hc by lambda, इस वाली टर्म को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ, इज इक्वल टू 4 को हमने सभी से मल्टीप्लाई करना है, 4w0 प्लस ev. सो आपको ये चीज पता लग गया होगा. और उसके बाद हम क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन को लिखेंगे, दैट इज एच सी बाई लैम्डा इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस ई वी. तो अगर हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो अपने पास ई वी कैंसिल हो गया, ये हो गया 3w0 इज इक्वल टू 2 में से 1 माइनस करेंगे वी विल गेट एच सी बाई लैम्डा. तो अपने पास वर्क फंक्शन कितना आएगा, एच सी बाई 3 लैम्डा, और वर्क फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, एच सी बाई लैम्डा नॉट, एच सी कैंसिल होएगा, लैम्डा नॉट की वैल्यू होगी 3 लैम्डा. ये क्वेश्चन मैंने सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए सॉल्व किया है जिनको इट माइट बी कंफ्यूजिंग कि सीधा आंसर कैसे आ गया, तो इसलिए मैंने उस दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर दिया. तो अपने पास आंसर कितना आ गया, 3 लैम्डा. तो ऑप्शन कौन सी बन जाएगी, अपने पास बनेगा 4th ऑप्शन. और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखेंगे तो भी बहुत सिंपल ही है, आपको सिर्फ और सिर्फ बेसिक नॉलेज रखनी है ग्राफ्स की, सिंपल थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस की, कि प्रोसेसेस का मीनिंग क्या होता है, प्रोसेसेस में वर्क डन कैसे होता है. बट उसका फॉर्मूला तो नहीं मैं बोलूंगा, इसका मैं सिर्फ ग्राफ बोलूंगा. अगर हम चेक करते हैं तो नॉर्मली जो स्लोप होती है एडियाबेटिक की वो होती है गामा टाइम, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है आपका, गामा टाइम स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस. तो ऑब्वियसली बात बनती है जो अपनी एडियाबेटिक प्रोसेस की स्लोप होगी वो ज्यादा स्टीक होगी. अगर स्टीक होगी तो मतलब क्या बनता है, उसने बोला है कि पहले गैस को हमने कंप्रेस किया आइसोथर्मली, लेट्स अस्यूम वो ए से बी पे, ये अपना पीवी ग्राफ है, देन उसको हमने एडियाबेटिकली कंप्रेस कर दिया सेम वॉल्यूम पे, तो अपने पास कितना बनेगा, सी ऑप्शन तक बन जाएगा. तो अपने पास कंप्रेस हो गया बिटवीन टू वॉल्यूम्स V1 एंड V2. बट अगर हम चेक करते हैं कि भाई जो ए सी वाला ग्राफ है वो पूरा का पूरा है, एंड जो ए बी वाला ग्राफ है वो छोटा सा है. ध्यान से देखो यहाँ पे जो ए बी वाला ग्राफ है वो इतना है, तो अपने पास दिस विल गिव अस द वर्क डन. Doesn't matter positive and negative because we are not considering it. We are only considering कि भाई कौन से वाले process में work done की value ज़्यादा रहेगी. And जब ये isothermal process का work done होएगा तो उसके बाद हम AC वाली curve को देखेंगे. AC वाली curve में अपने पास ये वाला portion extra है, तो automatically AC के लिए अपने पास ये सारा का सारा area आएगा. तो जितना area ज़्यादा होएगा उतना ही अपने पास work done होएगा. अगर मैं blue से cover करता हूँ तो ये adiabatic process का work done है. तो ऑप्शन क्या बनेगा, जिसमें ये लिखा होगा कि कंप्रेसिंग थ्रू एडियाबेटिक गिव्स मोर वर्क डन एज कंपेयर टू आइसोथर्मल. तो चेक करते हैं हम ऑप्शन क्या है, कंप्रेसिंग द गैस आइसोथर्मली रिक्वायर मोर वर्क, नो.
कंप्रेसिंग गैस एडियाबेटिक रिक्वायर मोर वर्क, ये वाला ऑप्शन ठीक है। आइसोथर्मली अमाउंट ऑफ वर्क सेम नहीं हो सकता, जिस मर्जी में नहीं, तो अपने पास ऑप्शन क्या बनेगी, सेकंड ऑप्शन बनेगी। इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको उसकी बेसिक नॉलेज और साथ में आपको उसका ग्राफ की नॉलेज होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आ जाता है कि एक पोटेंशियोमीटर वायर है जिसकी 100 सेंटीमीटर लॉन्ग है। उस वायर के ऊपर अगर मैं दो सेल्स को ऐड करता हूँ, लेट्स अज्यूम मैं दो सेल्स ए एंड बी रखता हूँ, तो वो बैलेंसिंग पॉइंट 50 पे आएगा। एंड अगर मैं उनको माइनस करता हूँ, मतलब एक दूसरे को अपोज करेंगे, तो अपने पास डिफरेंस कितना आएगा, 10 आएगा। सिमिलरली अगर मैं इसको दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो आई विल गेट ए प्लस बी इज इक्वल टू 5 ए माइनस बी। तो अपने पास ये वाला हो जाएगा 2b इज इक्वल टू 4a। तो a by b की रेशियो कितनी आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू 1/2। अब चेक करते हैं उसने बोला रेशियो ऑफ 2 EMFs, तो अपने पास रेशियो ऑफ 2 EMFs कितना बन रहा है, चेक कर लेते हैं गड़बड़ कहां पे हो रही है। द बैलेंस पॉइंट्स आर ऑब्टेन्ड एट 50 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द पॉजिटिव एंड ऑफ द वायर टू द रेशियो ऑफ EMFs। प्लस बी इज इक्वल टू 5a माइनस 5e, तो अगर यहाँ पे लेके जाते हैं तो अपने पास बन जाएगा 6b, अगर तो दिस बिकम 4/6, तो यहाँ पे कैलकुलेशन की मिस्टेक हुई थी। तो अपने पास आंसर क्या आएगा, 2/3 वाला है नहीं, तो अपने पास क्या बनेगा 3/2। तो सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन की गड़बड़ थी जिसकी वजह से यहाँ पे कंफ्यूजन हो रही थी, बिकॉज 5 को हमने a माइनस बी से मल्टीप्लाई करना था। तो अपने पास 5a माइनस 5b आ गया एंड a बाई बी की रेशियो आ गई अपने पास 2/3। तो अपने पास 2 EMFs 2/3 तो है नहीं, तो 3/2 आंसर बन जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है जिसका ऑब्जेक्टिव पीस जो है वो 40 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का है एंड जो अपने पास आई पीस है उसकी फोकल लेंथ कितनी है, 4 सेंटीमीटर। तो अपने पास जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप होती है उसका जो फ्रंट पोर्शन होता है वो काफी लार्ज होता है, तो इसकी फोकल लेंथ कितनी है, 40 सेंटीमीटर। जो ऑब्जेक्ट है वहाँ कहाँ पे प्लेस किया हुआ है, उसको 200 सेंटीमीटर पे प्लेस किया हुआ है। तो सबसे पहले हमने चेक करना है कि जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है उसकी इमेज कौन से पॉइंट पे बन रही है। तो एज इट इज हम चेक कर सकते हैं 40 सेंटीमीटर है, कन्वेक्स लेंस के लिए फॉर्मूला आएगा 1/b माइनस 1/u, जो यू आएगा दैट विल बी माइनस 200 बिकॉज वो सेंटर से लेफ्ट साइड को है। तो अपने पास फोकल लेंथ 40 है, बी की वैल्यू फिगर आउट करनी है, यू की वैल्यू माइनस 200 है, तो 1/b की वैल्यू कितनी होगी, 1/40 माइनस 1/200। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 200 उसका एलसीएम आएगा, 5 माइनस 1 4/200, तो अपने पास आ जाएगा 1/50। तो b की वैल्यू कितनी आएगी, दैट विल बी इक्वल टू प्लस 50 सेंटीमीटर। तो प्लस 50 सेंटीमीटर का मतलब यहाँ पे 50 सेंटीमीटर पे है और यहाँ पे अपने पास आई पीस होगा जिसकी फोकल लेंथ अपने पास दी हुई है 4 सेंटीमीटर। अब ध्यान से समझो इस बात को, उसने बोला है कि हमें क्या चाहिए, जो इमेज है प्रॉपर बननी चाहिए आफ्टर द आई लेंस। तो अपने पास क्या बनेगा, अगर मैं यहाँ पे जो इमेज बन रही है, इमेज लेट्स अस्यूम यहाँ पे बन रही है, यहाँ पे जो इमेज बन रही है इसको मैं आई पीस के फोकल लेंथ पे प्लेस करता हूँ। ध्यान से समझो इस बात को, अगर मैं आई पीस के फोकल लेंथ पे प्लेस करता हूँ तो जो इमेज होएगी वो अपनी इन्फिनिटी पे बनेगी, बट इन्फिनिटी पे होएगी बट क्लियर होएगी। तो अपने पास ऑप्शन में क्या आएगा, द डिस्टेंस बिटवीन टू लेंसेज वुड बी 50 प्लस फोकल लेंथ, तो कितना आएगा 54 सेंटीमीटर। तो अपने पास आंसर क्या बनेगा, फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में सिंपल है, काफी ज्यादा सिंपल है। जो उसने बोला हुआ है कि अपने पास आउटपुट वन चाहिए सर्किट में से, तो सबसे पहले इस बात को समझो कि जो ये वाला सिंबल होता है दिस इज फॉर और सिंबल विच इज रिप्रेजेंटेड बाय प्लस साइन, जो ये वाला सिंबल होता है ये होता है अपना मल्टीप्लाई करने का। तो हमें क्या चाहिए, हमें जो भी ए बी की इनपुट आ रही है उसको बाद में मल्टीप्लाई करना है, और हमें क्या चाहिए, आंसर चाहिए 1। अगर 1 चाहिए तो एक तो पक्की ड्राम है कि दोनों अगर 1 वैल्यू है तो जाके अपने पास आंसर 1 मिलेगा। अगर दोनों में 1 चाहिए तो इस तीन ऑप्शन में तो 0 है। स्टेप को समझो, अगर यहाँ पे एक भी 0 है तो 0 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे अपने पास आंसर 0 आएगा। तो अपने पास दोनों पे दोनों इनपुट क्या चाहिए, 1 चाहिए। एक इनपुट ए एंड बी के प्लस करने से आएगी, दूसरी इनपुट सी से आएगी, तो हमें क्या चाहिए, सी 1 चाहिए। तो अपने पास क्या होगा, एक ही ऑप्शन है। अगर यहाँ पे सी 1
दो तीन ऑप्शंस में होता तो हम ए एंड बी के पॉसिबल सॉल्यूशंस देखते, बट अभी हमारे पास सिर्फ एक ही आंसर में सी की वैल्यू 1 दी हुई है। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आइस का पीस है, कुछ पर्टिकुलर हाइट से फॉल कर रहा है और यहाँ पे इसकी एनर्जी कितनी है, एमजी एच। अब उसने बोला है जितनी इसकी एनर्जी है उसका फोर्थ पार्ट, जिसको हम क्वार्टर बोल सकते हैं, दैट इज इक्वल टू एमजी एच बाय 4, ये कन्वर्ट हो रहा है अपना हीट में जो उसको मेल्ट कर रही है। तो जिस मोमेंट पे मेल्टिंग होती है उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, एल लेटेंट हीट, अगर हम क्रॉस करते हैं तो जी एच बाई 4 की वैल्यू कितनी होगी, दैट विल बी एल इक्वल टू, अपने पास एल की वैल्यू ऑलरेडी इसमें गिवन हुई है, तो एच की वैल्यू क्या बनेगी, 4 एल बाई जी। 4 एल की वैल्यू अपने पास 3.4 10 पर 5 है एंड डिवाइड में अपने पास कितना आ जाएगा, जी दैट इज ग्रेविटी। एंड 4 को अगर 3.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास क्या बनेगा, 4 को अप्रॉक्सीमेटली 35 से मल्टीप्लाई करो, ये बन जाएगा अपने पास